आन्या को भी मम्मा जैसा बनना है। ठीक है, घर चलकर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रेनिंग? मैं घर आ गया। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? स्कूल जाने की तैयारी। ये क्या है? कार में इतनी दूर आ ही गया। पापा, यहाँ सबने आन्या जैसे कपड़े पहने। हाँ बेटा, इसीलिए इसे यूनिफॉर्म कहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। अब बारी है क्लास टू की। क्लाइन हॉल। क्या पता, देखते हैं। लूसी ग्यारह। दरअसल मुझे पता है, क्योंकि मिशन में आसानी हो इसलिए मैंने इन नामों को बदल दिया था। बड़ा हरामी हो बेटा। इस बच्चे की क्लास में मेरा टारगेट डोनोवन डेस्मन का दूसरा बेटा डेमियन है। डेमियन सर बोलो, डेमियन सर। अरे बाबा, मेरा प्लान बी, मैं इसे कहूंगा दोस्ती का प्लान। पहला कदम, उसकी क्लास में रहकर उससे अच्छे से दोस्ती करना। दूसरा कदम, वो अपने घर बुलाएगा और तुम वहाँ जाओगी मेरे साथ। तीसरा कदम, अपने टारगेट से डायरेक्ट मुलाकात। मस्त प्लान है। मुझे यकीन है वो सबसे दोस्ती कर ही लेगी। बुरे लोगों के बॉस का बेटा। गजब बेइज्जती है। इसे क्या हो गया? ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं इसे पहली नजर में मुझ जैसे खूबसूरत लड़के से प्यार हो गया? तुम्हारी पसंद अच्छी है। थोड़ी शर्मीली है और देखने में प्यारी भी। बेकी ब्लैकबेल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये लड़की, ये तो एक बड़ी मिलिट्री कंपनी ब्लैक लैब के सीईओ की बेटी है। उसके पीछे पार्लियामेंट के पिछले वाइस प्रेसिडेंट की बेटी है और लड़कों में भी सीक्रेट सर्विस के वीआईपी का बेटा है। इसकी क्लास में तो जानकारी का खजाना है। सबसे अच्छे से दोस्ती करना आन्या। क्या? मैं मानती हूँ मेरे सामने वो सुअर जैसी दिखती है, पर तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये सब करना बंद करो, नहीं तो मैं सर को बता दूंगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने ये किया? बिल्कुल सही कहा। A few moments later. ओए, कहाँ देख रही हो, डर गई क्या? बैंड बज गया। लेकिन मैंने शांति से काम लिया और इसे सिर्फ वन बोल्ट देने को कहा। इसके आगे कोई माफी नहीं मिलेगी। इधर माफी मांग लेना। वो आन्या को तुमसे वो। हेलो आन्या, क्लास शुरू होने वाली है। अरे जरा रुक जाओ, उनके साथ बात करोगी तो तुम भी उनके जैसी बन जाओगी। पर दुनिया की शांति का क्या? अरे ऐसा मत करो, अचानक ब्लैक बेल की बेटी बीच में कहाँ से आ गई? एक सेकंड, देखा जाए तो ब्लैक बेल और डेस्मन परिवार बिजनेस पार्टनर्स हैं। कहीं इस लड़की को दुश्मनों ने मेरा मिशन बिगाड़ने के लिए तो नहीं भेजा है? ये भी मुझे नहीं मारा है डेमियन, लेकिन ये लड़की डेमियन प्रेजेंट, मुझे पहली बार किसी ने मुक्का मारा है। तुम्हें जॉनी प्रेजेंट, जेसी प्रेजेंट। समझ रहे हो ना? कह नहीं सकते। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करना आन्या, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी बात मानो, हम इस सबको जाने देते हैं। तो फिर जाने देते हैं, ये हुई ना बात। जाने मत देना। जहाँ गिरेंगी वो जगह गर्म हो जाएगी। भविष्यवाणी कहती है आज माफी मांग लेनी चाहिए। ये किसने भेजा? माफी मांगो आन्या। इसकी मम्मी इतनी मोटी है ना, छोटे पैर। इसके पैर कितने छोटे हैं? सिर पर सींग वाली लड़की जिसके पैर हैं छोटे, एक गवार जिसका रकून जैसा चेहरा है। अपने गंदे हाथ दूर रखो गवार, पिद्दी रकून। मास्टर डेमियन, आपका चेहरा लाल हो गया है। मैं गुस्से में हूँ। समझ रहे हो ना? बढ़िया मास्टर डेमियन, लड़की के आंसू देखकर उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। आज के लिए हम तुम्हें छोड़ देते हैं मास्टर डेमियन। पर
दिमाग पढ़ लेती हूँ। मम्मी मेरी मदद करो ना। क्यों नहीं, हम दोनों साथ में सुलझाते हैं। नीचे 5 लिखा है, मतलब ये 1/5 होना चाहिए। तो इसे आसानी से समझने के लिए शरीर के चारों टुकड़ों को काट देंगे। अरे पर सर को कैसे शामिल करेंगे? तो इसका जवाब क्या होगा? आन्या फौजर तुम बताओ। 3/3। बिल्कुल गलत जवाब। कैसे हैं आप मिस्टर हेवर्ड? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। जानते हैं, मेरी दीदी भी आपकी तरह सिटी हॉल में काम करती हैं। क्यों? क्या आप उन्हें जानते हैं? मुझे मेरी खूबसूरत और दयालु बहन पर नाज है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। तो फिर तो क्या आपने ट्वाइलाइट नाम कहीं सुना है? वो कौन है? वो पश्चिम का एक जासूस है, भेस बदलने में माहिर है, एक शैतान एजेंट जिसने हमारे देश को परेशानी में डाल दिया है। तुम चिंता मत करो, ऐसे वक्त के लिए ही मैंने शादीशुदा लोगों वाली हर चीज पहले से ही लाकर रखी है। बड़े हरामी हो बेटा। हाँ? मम्मी पापा फ्लर्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीदी से मिलने जा रहा हूँ। दीदी ने बचपन में जो मेरी पसलियाँ तोड़ी थी वो अभी भी दर्द करती है। उन्होंने मुझे इतने प्यार से जकड़ा था कि याद करते ही मेरा पूरा शरीर सुन पड़ जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उन्हें 1 साल कैसे लग गया मुझे ये बताने के लिए कि उनकी शादी हो चुकी है। कहीं उनका पति कोई खतरनाक इंसान तो नहीं जिससे मुझे वो मिलवा नहीं सकती? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मेरी दीदी जिस देश में रहती है मैं उस देश से हर खतरा मिटा दूंगा। अच्छा ठीक है, चाहे वो उनका पति ही क्यों ना हो। अगर ये लॉयड फौजर कोई कमीना इंसान निकला जो मेरी दीदी को परेशान करता है तो मैं उसे एक झटके में अंदर कर दूंगा। ठीक है समरिया, मुझे पता लगाना होगा कि कहीं ये इंसान मेरी दीदी का पति बनने के लायक है या नहीं। इसे तुम अपना ही घर समझना। हाँ, मेरी चिंता मत कीजिए, तुम्हारा बना हुआ खाना कैसे खाना है। जरा तो गेम बजाना पड़े। ओह नो, मेरा गुस्सा मेरे चेहरे पर दिख रहा है। इसे अपना ही घर, शायद इसीलिए क्योंकि मैं अभी पूछताछ करके आ रहा हूँ। मुझे यूरी के सामने एक अच्छी बीवी बनकर रहना है। मैं उसे नहीं बता सकती कि मैंने ये शादी लोगों का कत्ल करने और अपने कामों को बचाने के लिए की है। मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरकीब सोची है। यूरी को कैसे क्या समझाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। इसे आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। संभाल लेना योरसा। बोलिए दीदी, जवाब दीजिए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो क्योंकि मैं बताना भूल गई।